हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम मैं नेम इज़ रमनदीप सिंह स्टूडेंट्स पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जाम ठीक है एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड कट ऑफ कितने लोगों ने अप्लाई करा है और लास्ट ईयर का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और एक कंपटीशन का लेवल क्या होगा माय नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व ईयर एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्क योर डाउट्स सो स्टूडेंट्स दिस इज द आर जिसका रिप्लाई मिला है वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट दिस रिप्लाई एंड एज पर दिस आर

उजेंड एंड ट्वेंटी फाइव वेकेंसी रेशियो काफी अच्छा है गुड रेशियो इज देयर दट ऑफ इज गेरी लो द बैंक इज गोइंट टू हैव देर ओन बेंच मार्क बैंक का अपना एक बेंच मार्क होगा कि मिनिमम फोर्टी परसेंट मार्क्स अगर आपके होंगे तभी फॉर द जनरल कैटेगरी यूल बी सिलेक्टेड ऐसा कुछ करेंगे बैंक वाले क्योंकि आठ हज़ार में से बिकॉज ये है स्पेशलिस्ट uh, ऑफिसर का एग्ज़ाम है लाइक ट्वेंटी थर्टी परसेंट पीपल दे आर नॉट गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम आठ हज़ार में से हार्डली आपको छः हज़ार या छ छ हज़ार लोग जो है इतने लोग पेपर देने जाएंगे एक्चुअली राइट right? इतने लोग पेपर देने जाएंगे सो फोर्टी परसेंट कितने लोगों के आएंगे नाउ दैट्स अनदर स्टोरी तो ऐसा होने वाला है कि जिसके एटलीस्ट फोर्टी परसेंट मार्क्स होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है दैट हैपन्ड इन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम इन द लास्ट इयर्स ऐसा जनरली होता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि इफ द ट अगर मान लीजिए थ्री टाइम्स द स्टूडेंट्स बुलाना है तीन हज़ार स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है जनरल कैटेगरी के थ्री टाइम्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी जनरली इट्स फाइव टाइम्स तो ऐसा नहीं है कि इफ़ दे वांट टू कॉल थर्टी फाइव हंड्रेड पीपल तो वो सबको बुला लेंगे जिसके बीस परसेंट मार्क्स हैं दस परसेंट मार्क्स हैं उनको भी बुला लेंगे ऐसा नहीं होता सो फोर्टी परसेंट तो इसको आप ध्यान में लेकर चलें कि अगर रिलेटिव मार्किंग है भी रिलेटिव कट ऑफ है भी तब भी एक मिनिमम बेंच रहेगा पी का दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस इसमें रीजनिंग एबिलिटी है रीजनिंग एबिलिटी है इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज दोनों पेपर एक ही साथ होंगे राइट वन ट्वेंटी मिनट्स आर अलॉटेड राइट ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स फॉर द रीजनिंग ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन रीजनिंग इंग्लिश में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स फिफ्टी क्वेश्चन इन द क्वानिटिव एप्टिट्यूड फिफ्टी मार्क्स प्रोफेशनल नॉलेज में फिफ्टी क्वेश्चन एंड हंड्रेड मार्क्स राइट सो टोटल यू कैन डू दट इट्स टू हंड्रेड मार्क्स आर दे आर आपको एक सौ बीस मिनट में करना है टाइम मैनेजमेंट वोंट बी अ मेजर इशू राइट इफ यू स्टार्ट विद द प्रोफेशनल नॉलेज राइट तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहेगा बट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा फिर भी विद इन लाइक थर्टी मिनट्स यू कैन ईजली डू द प्रोफेशनल नॉलेज विद इन थर्टी मिनट्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी विद इन ट्वेंटी मिनट्स यू कैन ईजिली डू रेस्ट द सेवेंटी मिनट्स यू नीड टू अलॉट हेयर राइट so within like uh, 40 50 minutes right you can do the quantitative aptitude and then 20 minutes you can do the reasoning ability section so is you se agar lot apna time allot karenge uh, that will be great there is a possibility you can cover uh, the professional knowledge within 25 minutes but 30 minutes ZG. 30 minutes here uh, 50 minutes to the quantitative aptitude 20 minutes to english language and 20 minutes to reasoning ability ये जनरल आपको इतना टाइम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इफ़ योर इंग्लिश इज गुड यू कैन कवर दैट विद इन लाइक फिफ्टीन मिनट्स बट ये आप बारह तेरह मिनट में पंद्रह मिनट में भी कर सकते हो एंड एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है आप इधर दे दीजिए रीजनिंग एबिलिटी को राइट देर इज़ नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यूज इज शेल बी फोर्टी फाइव परसेंट फॉर एस सी कैटेगरी कैंडिडेट एस सी एस टी कैटेगरी कैंडिडेट एंड फिफ्टी परसेंट फॉर अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स ठीक है

एंड एल डी सेवनटी वन पॉइंट वन जीरो वी आई के लिए जो है एटी एट पॉइंट सेवन जीरो विजुअली इम्पेयर्ड की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों है बिकॉज क्राइब आते हैं टीचर्स ही होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं दैट इज़ वाई इसका कट ऑफ जो है विजुअली इंपेयर का एस सी से भी ज़्यादा है और ओ बी सी से भी ज़्यादा है तो दैट्स अ स्टोरी तो नाइनटी फाइव अगर कट ऑफ देखे अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है

एंड आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सलेबस आप अच्छे से ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं देन यू माइट बी अवेयर ऑफ द सिलेबस द प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग क्रेडिट पॉलिसी टाइप्स ऑफ बॉर्वर्ड्स क्रेडिट डिलीवरी क्रेडिट अप्रेजल क्रेडिट रेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़नी है आपको सारी जिसमें सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेशियो एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया मनी मार्केट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी डेरिवेटिव लेवरेजेज बजटिंग बीटाप कर लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ब्रेक इवन पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज़ एन आर बी आई गाइडलाइन नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रिटेल लोन्स आर बी आई सर्कुलर फॉर लास्ट थ्री ईयर्स लिखा है बट सी वेन आई से थ्री ईयर्स इसमें मास्टर सर्कुलर्स हैं थ्री ईर्स के जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक मास्टर सर्कुलर है आई आर ए सी नॉम्स एक मास्टर सर्कुलर है के वाई सी की गाइडलाइंस एक मास्टर सर्कुलर है आपके बेसल के नॉर्म्स हैं वो मास्टर सर्कुलर है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन पी एस यू बैंक्स एक मास्टर सर्कुलर है तो ये मास्टर सर्कुलर है तो ये आपको जरूर करने हैं सम लॉज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर बी एक्ट एंड द नेगोशियेबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट भी हम करवा देते हैं बट ये तीनों एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ठीक है डॉक्यूमेंटेशन में रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी एंड लिमिटेशन लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई आर ए सी नॉर्म्स आर बी आई की गाइडलाइन ही है टाइप्स ऑफ चार्जेस आई बी सी एंड सरफाइसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल में करते हैं हम राइट एंड देन फॉर द क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड द सेम पी ओ लेवल का सिलेबस है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप्स मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एजेस एंड एवरेजेस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इंटरेस्ट प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एरिया वॉल्यूम नंबर सीरीज लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन डेटा सफिशिएंसी। अगर आपने पहले कभी पीओ लेवल के एग्जाम की तैयारी करी है देन इट वट बी अ बिग इशू ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है राइट इन द रीजनिगेबिलिटी पजल सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन इनक्वालिटी सेलॉजिजम कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शनस एंड स्टेस दीज आर द मेजर टॉपिक्स आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव इनक्वालिटीज हो गया सेलॉजिजम हो गया ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर हो गया कोडिंग डिकोडिंग ये भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो बी स्कोरिंग ट्वेल्व थर्टीन मार्क्स ओके इन द इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एरर स्पॉटिंग क्लोज टेस्ट डबल फिलर सेंटेंस रीअरेंजमेंट कॉमन टॉपिक्स प्री लेवल का एग्जाम है वेरी ईजी राइट क्वेश्चन इन द प्रीवियस पेपर्स जो जनरली पूछे गए थे पिछले सालों में प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है एज अ डेमो फॉर पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिस अ रेशियो एनालिसिस कैपिटल बजटिंग नॉन फंड बेस्ड लिमिट इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट वर्किंग कैपिटल आर बी के सर्कुलर एम एस एम ई की डेफिनेशन बैलेंस शीट मैनेजमेंट मुद्रा स्कीम में से आया था क्रेडिट अप्रेजल ए आर सी रेगुलेटर लिमिटेशन एक्ट ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है सरफाईसी डी आर टी उसमें क्वेश्चन आए थे तो ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं इसका आप ध्यान रखें राइट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट टू अदरवाइज मैंने छोड़े में डाल रखा है राइट पी एन बी एसओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटीबल ऑन बैंक एग्जाम छोटे कवरेज With the help of video classes, notes, quizzes, test series, and power capsule. Power capsule is also available on bank exams today. Uh, you can download it on bank exams today. Uh, link is available in the description. Please check the description. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts, and we are going to answer your doubts. Proper test series is also available for PNBSO so Credit Officer. Link is also available in the description. So, list of our successful students. They took our courses in the past and they cracked the respective exams. And I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very, very nice day. Bye bye.